गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सत्येंद्र आईटीआई डिजिटल रनिंग क्लास। मैं ट्रिगोनोमेट्री में जो पहले बताया था कि सिर्फ ए का मान बताया था या थीटा का मान बताया था या 2a का मान बताया था या 2θ का मान बताया था, लेकिन आपके ट्रिगोनोमेट्री या आपके सिलेबस में ये 3a या 3θ का भी यूज है। जैसे साइन 3a इसको लिख सकते हैं, साइन 3θ या कुछ भी जो मन में हो। 3 का मतलब एंगल के साथ मल्टीपल, ठीक है। तो आपका साइन 3θ या 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin q a। अब देखिए यहां क्या है आपका कि इस जगह आपका एंगल का तीन गुना है, एंगल का तीन गुना है, और यहां पे हम देख रहे हैं क्या है, मेन एंगल का पार्ट है, एंगल का पार्ट है, उस पे पावर है या उसका गुना है फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एंगल का जो गुना है उसको हम बाहर निकालने का ये प्रोसेस है। अब देखिए आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पता नहीं सही है कि नहीं, अब देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए ए का मान हम रखते हैं 30 डिग्री, इसका मान रख दिया साइन 3, ए का मान रख दिया 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इधर क्या हो गया, 3 sin 30 माइनस 4 sin q 30, ठीक है। अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, 3 into 1/2 माइनस 4 into 1/2 का होल क्यूब बराबर क्या हो गया, 3/2 माइनस 4 into 1/8। देखिए 4 से 2 कट गया, मतलब 3/2 माइनस 1/2, इसका आंसर 1। अब इसको भी देखते हैं, साइन 30 90, तो साइन 90 का मान 1 होता है। इधर भी मान 1 आया, यहां भी मान 1 आया, तो आपका प्रूव हो गया, मतलब मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इस तरह अगर हम चाहें तो कॉस का भी एक देख लेते हैं, अब कॉस में देखते हैं। मान लीजिए कॉस 3a, a के जगह मान लीजिए 45 डिग्री रखते हैं, a के जगह रखे कॉस 45 डिग्री, a के जगह 45 डिग्री रखे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos q 45 माइनस 3 cos 45, ठीक है। अब देखिए cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 का होल क्यूब माइनस 3/√2, cos 45 का मान 1/√2, तो आपका हो गया 4 into 1/√2 का होल क्यूब 2√2। अब देखिए माइनस 3/√2, अब यहां कट गया 2, मतलब 2/√2 माइनस 3/√2, रूट 2 कॉमन ले लिए 2 माइनस 3 बराबर -1/√2, -1/√2 मेरा हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, cos
135 डिग्री। अब इसको हम cos 135 का मान निकालना है, इसको लिखिए cos 90 प्लस 45। देखिए 90 प्लस 45 आपका आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में बोले थे साइन का मान प्लस होता है, बाकी सबका मान साइन और कोसेक छोड़ के सबका मान निगेटिव। तो निगेटिव दे दिए, 90 है, 9 है, 9 है मतलब ऑड है, विषम है, तो इसका हो जाएगा साइन 45 डिग्री। माइनस साइन 45 का मान होता है माइनस 1/√2। आपका देखिए माइनस 1/√2 आया, यहाँ भी माइनस 1/√2 आया, मतलब दोनों सेम आया, आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है। उस तरह टेन में भी होगा, इसलिए हमेशा करना आप लोग इसमें अपने से प्रैक्टिस करके इस फॉर्मूला को भी देखिएगा। इसमें एक चीज मुख्य चीज था जो मैंने नहीं बताया था, देखिए एक ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, एंगल ए के सम और बी एंगल सी, ठीक है। अब एंगल कैपिटल ए जो है, कैपिटल ए एंगल के सामने का जो भुजा है उसका दूरी को हम मान लिए स्मॉल ए। कैपिटल ए एंगल जो है उसके सामने जो भुजा है उसका दूरी मान लिए स्मॉल ए है। बी जो है कैपिटल बी एंगल, इसके सामने जो भुजा है इसको मान लिए स्मॉल बी। कैपिटल सी जो है इस एंगल के सामने का भुजा को मान लिए स्मॉल सी, मतलब इस एंगल के सामने की भुजा की दूरी को स्मॉल सी मान लिए। अब जब ये चीज हम मान लिए तो हमको एक फॉर्मूला मिलता है कि स्मॉल ए बटे साइन ए बराबर स्मॉल बी बटे साइन बी बराबर स्मॉल सी बटे साइन सी। अब देखिए यहां क्या चीज है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को ध्यान में देखिए क्या है कि जो भुजा भुजा बटे सामने का साइन का एंगल बराबर भुजा बटे उसके सामने का साइन एंगल बराबर ये भुजा बटे उसका तीनों का रेशियो जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा। अब देखिए क्या चीज है, इसका जो रेशियो होगा बराबर इसका रेशियो होगा, इसका रेशियो होगा, ध्यान दीजिएगा फिर से बोल रहे हैं, जो भुजा है उसके बटे सामने का जो एंगल है उस साइन का एंगल बराबर जो भुजा लिए उसके सामने का एंगल साइन वाला, फिर बराबर जो भुजा लिए उसके सामने का एंगल बराबर वाला ले लिए, ये तीनों आपस में बराबर होगा। ये हम फॉर्मूला इसको एक फॉर्मूला के रूप में रख लेंगे। फॉर्मूला क्या हुआ, स्मॉल ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी, ये आपका एक फॉर्मूला निकल गया। अब मान लीजिए एक प्रॉब्लम हमको है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी, ये भुजा दिया हुआ है 10, ये भुजा दिया हुआ है 20, मान लीजिए ये एंगल आपका 60 दिया हुआ है, तो ये एंगल निकालना, ये एंगल निकालना, ठीक है, ये एंगल निकालना है प्लस ये एंगल निकालना है प्लस
ये भुजा निकालना है। ऐसा तो हो सकता है, एकदम हो सकता है। अब कुछ के मन में प्रश्न होगा, सर ये चीज कैसे हो सकता है। सही बात है, कैसे हो सकता है। ये कोई हम पॉइंट लिए कैसे, अगर मान लीजिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा जिक्र कर दे रहा हूं। अब मान लीजिए, देखिए ये कोई ए भुजा है, या इसको ऐसे बनाइए, इसको इसका कोई एक पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट को लेके कोई रेखा हम खींच दिए 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का कोई रेखा यहां से खींच दिए, ठीक है। अब क्या होता है कि हम यहां से 60 डिग्री एंगल लेते हैं, 60 डिग्री एंगल लेते हैं। देखिए 60 डिग्री एंगल का किसी चाप से इसको ऐसे ले लिए, वही चाप को यहां से यहां काट दिए, काट दिए, जितना दूरी का ये घुमाए उसी पॉइंट से यहां पे काट दिए। मान लीजिए ये हुआ 60 डिग्री बन गया, ठीक है। अब ये दूरी हमारा कितना है, 20। स्केल में हम 20 नाप लिए, 20 को नाप के मान लीजिए यहां 20 आया, यहां आया, ये तो एंगल हम बढ़ा दिए। मान लीजिए यहां आया 20, इस जगह आया, मान लीजिए इसको इसके लेके काट दिए, मतलब यहां से यहां दूरी 20, यहां से यहां दूरी 20, यहां से यहां दूरी 20, ये 20 हो गया। अब देखिए मेरा बना के नहीं, एकदम बिल्कुल बन गया, 20 को लेके काट दिए, ये मेरा 20 है, ये मेरा 60 डिग्री है, यही तो है बनाना, सिंपली बन गया। अब देखिए जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। अब देखिए क्या होगा, 10/sin θ लिख सकते हैं, 10/sin θ बराबर 20/sin 60, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, 20 sin θ बराबर 10 sin 60, 10 × sin 60 का मान √3/2, 5 √3। अब देखिए sin 30 डिग्री क्या हो गया, sin θ बराबर 5√3/20, √3/ बोल निकल गया sin θ का मान, θ का मान sin inverse √3/4। ये इनवर्स वाला चीज आपको हम अगले क्लास में बताएंगे, इनवर्स वाला चीज, इनवर्स में क्या होता है। आज के क्लास में बस इतना ही, ओके थे।